दोस्तों आप लोग गलती क्या करते हो पता है, आप लोग YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो उसके बाद 12 घंटा तक वेट करते हो कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, मेरा वीडियो उस पर व्यूज आने लगे, मेरा वीडियो चल जाए, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता है, वो वीडियो आपका डाउन चल जाता है। दोस्तों आप लोग गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हो, आप लोग अपने वीडियोज पर बस वेट करते हो उसके बाद उस वीडियो से ध्यान ही हटा देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने वीडियोस में 12 घंटे के बाद भी आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसके बाद दोबारा आपका वीडियो फिर से बूस्ट हो जाए। दोस्तों आप कर सकते हो, ये पॉसिबल है। दोस्तों अब यहाँ पर देखो, इस वीडियो को जब मैंने अपलोड किया था तो उसके बाद 12 घंटे के बाद इसका व्यूज बिल्कुल डाउन चल गया था, लेकिन दोस्तों दोबारा मैंने इस वीडियोस को जैसे ही बूस्ट किया तो उसके बाद दोस्तों लाइव प्रूफ यहाँ पर देख सकते हो, फिर से मेरा वीडियो ये ऊपर रैंक करने लगा और आज इस वीडियो से मुझे अच्छा खासा व्यूज मिलता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं अपने वीडियो को बूस्ट किया दोबारा 12 घंटे के बाद। दोस्तों आपको ये काम अपने वीडियो को अपलोड करने के 12 घंटे बाद करना है, 12 घंटे के बाद आपको दोबारा बूस्ट करना है, उसके बाद फिर से आपके उस वीडियो पर व्यूज आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे वीडियो के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आप लोग तो ऐसा करते ही नहीं हो। दोस्तों लेकिन आपको करना है, आप कैसे अपने वीडियो को 12 घंटे के बाद बूस्ट कर सकते हैं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन में आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब दोस्तों आप लोग पहले यहाँ पर लाइव प्रूफ देखो, उसके बाद आप लोग भरोसा करना, ठीक है। तो आज मैं अपने जो वीडियो को अपलोड किया हूँ तो उस वीडियो को अपलोड किए 12 घंटा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चलिए लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ जो कि मैंने इस वीडियो के साथ वो काम किया, उसके बाद ये वीडियो मेरा कैसे रैंक किया है और कैसे वीडियो रैंक नहीं करता वो भी आप जान सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल का यही है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ओपन करके आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस वीडियो को जैसे मैंने यहाँ पे निकाला तो यहाँ पर टैग्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सारा टैग्स यहाँ पर रैंक करना स्टार्ट हो चुका है, जबकि इस वीडियो को अपलोड किए हुए मेरा 12 घंटा अच्छी तरह से हुआ भी नहीं है, 9 घंटा हुआ है, लेकिन 9 घंटा में मैंने वो काम किया तो मेरा ये काम हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे वर्क कर गया है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा यहाँ पे जो कि टैग्स होता है वो रैंक कर गया। पर देखो सबसे पहले ये वीडियो मेरा कौन सा है, एकदम लेटेस्ट वीडियो। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं कोई भी आपको यहाँ पे फेक चीज नहीं बताने वाला हूँ। देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर कैसे दे। अब मैं आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन को भी निकाल करके दिखा देता हूँ कि ये वीडियो सच में है या फिर नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन निकाल देता हूँ। देख सकते हैं 9 घंटा पहले अपलोड किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर कैसे दें। और सिर्फ 9 घंटे के भीतर मैंने अपने इस वीडियो का सारा टैग यहाँ पर रैंक करा लिया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको फिर से निकाल कर दिखा देता हूँ जो कि देख सकते हैं सारा टैग मेरा यहाँ पर रैंक कर रहा है, कोई एक नंबर, कोई दो नंबर, कोई तीन नंबर, इस प्रकार से मतलब सारा टैग रैंक कर रहा है। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, सिर्फ 9 घंटे के भीतर मैं अपने सारा टैग्स को कैसे रैंक कराया। और अगर मैं अपना दूसरा वीडियो निकालूं जिसमें ये काम नहीं किया हूं, यानी कि जिसको मैं बूस्ट नहीं किया हूं, तो यहां पर देख सकते हैं मैं एक वीडियो आपको निकाल देता हूं। इस प्रकार से मैं क्या करता हूं, एक वीडियो मैं निकाल लेता हूं इस प्रकार से। तो देख सकते हैं इसका अगर मैं आपको सारा टैग्स दिखाऊं तो अब यहां पर देखो कोई टैग्स यहां पर देख सकते हैं 23 नंबर पर रैंक कर रहा है, तो कोई 35 नंबर में, तो कोई 12 नंबर में, कोई 30 नंबर में, यानी कि कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो ये मतलब होता है अगर आप बूस्ट नहीं करते हो उससे पहले, लेकिन जैसे अपने वीडियोस को बूस्ट करते हो 12 घंटे के बाद तो आपका वीडियो सिर्फ एकदम उसी टैग पर रैंक करने लगता है जो टैग लोग सर्च करते हैं और एकदम नंबर 1 पर, नंबर 2, नंबर 3 पर रैंक करने लगता है। तो इस प्रकार से मैं अपने वीडियो को बूस्ट करता हूँ। तो बूस्ट कैसे किया जाता है मैं आपको चलिए यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको पहला काम क्या करना है, आप दोस्तों यहाँ पर जैसे देखते हैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाया हूँ तो ये मैं कहाँ से निकाला हूँ पहले आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको अगर इस प्रोसेस को यूज करना है, अगर आप अपने वीडियो को 12 घंटे के बाद अगर बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, TubeBuddy, जो कि देख सकते हैं TubeBuddy ये दोस्तों यूट्यूबर के लिए वरदान है। ये TubeBuddy एप्लीकेशन यूट्यूबर के लिए वरदान है, मेरे चैनल पर बहुत ज्यादा काम करता है ये। आप यहाँ पर देख सकते हो इससे पता कर सकते हो कि आपका कौन सा टैग्स रैंक कर रहा है, कौन सा टैग्स नहीं रैंक कर रहा है, आपका वीडियो कितने नंबर में मतलब सर्च में आ रहा है, कितने नंबर में नहीं आ रहा है, तो इस एप्लीकेशन से पता कर सकते हैं। तो आपको पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने चैनल से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने वीडियोज को निकालना है, जैसे कि मैं आपको एक वीडियो अपने निकाल कर दिखा देता हूँ जो कि देखते ये सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं इस टॉपिक पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर इस वीडियो को मैं निकालता हूँ तो देख सकते हैं मैं इसका अगर टैग्स आपको निकाल कर दिखाता हूँ तो यहाँ पर लाइव प्रूफ देखो मेरे कौन से टैग यहाँ पर रैंक कर रहा है और कौन से टैग नहीं रैंक कर रहा है। तो यहाँ पर देखो मेरा कोई भी टैग रैंक अभी नहीं कर रहा है। तो ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बूस्ट नहीं किया और यहाँ पर मैं जो अपने वीडियो को बूस्ट किया हूँ तो अगर उस वीडियो आपको दिखाऊं न्यू वाला अपना लेटेस्ट वीडियो ये मेरा सारा टैग्स ही रैंक कर रहा है क्योंकि मैं इस वीडियो को बूस्ट किया। तो आखिर कैसे बूस्ट किया जाता है चलिए मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो अपना इस वीडियो को ही निकाल लेता हूँ जिसको मैंने अभी तक बूस्ट नहीं किया हूँ और कैसे करके लाइव आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, TubeBuddy एप्लीकेशन में अपना टैग्स वाला ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर पहले आपको ये देखना है कि आपके कौन से टैग्स रैंक कर रहा है, कौन से टैग्स नहीं रैंक कर रहा है। अब दोस्तों आपका जो टैग रैंक कर रहा है, मान लीजिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर के नीचे अगर कोई टैग्स रैंक कर रहा है
तो उस टैग को आपको कुछ भी नहीं करना है, उस टैग पर आपको ध्यान नहीं दे रहा। मान लीजिए दोस्तों ये टैग अगर मेरा 4 नंबर पर रैंक कर रहा है तो इस टैग पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर मान लीजिए ये टैग अगर 2 नंबर में रैंक कर रहा है तो इस टैग पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखते हैं मेरा यहाँ पर कोई भी टैग रैंक नहीं कर रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना पता है, आपको यहाँ पर अपने सारा टैग्स को ही डिलीट कर देना है। जो अगर आपका सारा टैग्स अगर कोई भी रैंक नहीं कर रहा है तो सारा टैग्स ही आपको डिलीट कर देना है। जो कि देखते मेरा एक क्रिएटर सर्च 2.0 सिर्फ ये टैग रैंक कर रहा है। अगर कोई मेरे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर रहा है तो यही बस जो कि वहाँ पर रैंक कर रहा है, तो इसको रहने देना, बाकी के आपको सारा टैग्स को डिलीट कर देना है। और अगर आपके वीडियोस में अगर कोई कोई टैग रैंक कर रहा है तो उन टैग को रहने देना, बाकी जो रैंक नहीं कर रहा है उनको आपको सारा डिलीट कर देना, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन में, देख सकते हैं तो ओपन मैंने कर लिया हूँ। अब यहाँ पर मैंने इस वीडियो पर उस प्रोसेस को मैं करके दिखाने वाला हूँ, और इस वीडियो का ही मैं यहाँ पर टैग आपको निकाल करके दिखाया था, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये अपने वीडियो को आपको निकालना है पहले, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसका एनालाइज पर क्लिक करना है। इस प्रकार से जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है दोस्तों, आप अपने वीडियोस में कुछ ऐसा टैग्स डालें जो लोग सर्च कर रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल शो नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, वो सारा बेकार टैग है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने उसी वीडियो को निकाल करके 12 घंटे के बाद आपको यहाँ पर रीच वाला ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टॉप यूट्यूब सर्च टर्म, देख सकते हैं यहाँ पर टॉप यूट्यूब सर्च टर्म। अब दोस्तों आप जो टैग्स लगाए हैं उन टैग्स को कोई सर्च कर रहा है तो आपका वीडियो नहीं शो रहा है, लेकिन दोस्तों यूट्यूब पर अगर इन सारे टैग्स को कोई अगर सर्च कर रहा है तो आपका वीडियो शो करता है दोस्तों। इन्हीं टैग की मदद से आपका वीडियोस को देखे जा रहे हैं तब ना आपको यहाँ पे शो किए जाते हैं यूट्यूब सर्च टर्म में। अब ये दोस्तों आपको 12 घंटे के बाद ही देखने को मिलेगा अपने वीडियो में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारा टैग्स आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आपको इन सारा टैग्स को कॉपी कर लेना है, या फिर कहीं लिख लेना है, या फिर कहीं से भी आपको कॉपी कर लेना है सारा टैग्स को, ठीक है। और आपको अपने पुराने वो सारा टैग्स जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया तो ये सारा आपको टैग्स को डिलीट कर देना है जो रैंक नहीं कर रहा है उसको, ठीक है। और बाकी के आपको क्या करना है, आपको अपना इन सारा टैग्स को आपको वहाँ पर भर देना है दोस्तों। आपको वहाँ पर इन सारा टैग्स जो आपको मिल रहा है हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, जिस प्रकार से मतलब सेम आपको इसी कीवर्ड को आपको यहाँ पर अपने वीडियोस के टैग सेक्शन में सारा भर देना है, बाकी आपको उसको रहने देना है जो आपका रैंक कर रहा है। और सिर्फ दोस्तों इतना काम करना, उसके बाद आप अपने वीडियोस को दोबारा जैसे कि 2-3 घंटे बाद अगर निकालेंगे या फिर 1 दिन बाद अगर ओपन करेंगे यहाँ पे ट्यूब वीडियो एप्लीकेशन में, तो आपका भी सारा टैग्स रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों मैं अपने सारे वीडियोस को बूस्ट करता हूँ जिसके कारण मेरे वीडियोस पर अच्छा व्यूज आता है, तो आप भी अपने वीडियोस को इस प्रकार से बूस्ट कर सकते हैं। आप ट्राई करना, आपके चैनल पर गारंटी के ज़्यादा व्यूज आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।